जहाँ तक विकास की बात है, वास्तव में बीजेपी गवर्नमेंट जो है केवल मंदिर और मस्जिद की बात करती है, धरातल की बात नहीं करती। एक कदम चलने के बाद आप कोई ब्रेक लगाती है और कहें कि नहीं हम विकास में जा रहे हैं, अब भाई अगले वाले में अब दो कदम चला है तब तो हमको संतुष्टि मिलेगी। मस्जिद ही ऐसी बात, हमको नेता बढ़िया चाहिए जो काम करे उनको देखेंगे हम लोग और भ्रष्टाचार रहित हो, विकास करे। नमस्कार, वेब इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के परिभ्रमण में जन संपर्क बना रहे हैं और यहाँ पे लोगों के रुझान के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि किस तरफ लोगों के रुझान बना हुआ है, विकास के क्षेत्र को लेकर के या जातिवाद के क्षेत्र को लेकर के। तो आज हम लोग 317 क्षेत्र संख्या में और आपके सिसवा विधानसभा में और यहाँ पे जनपद आपके महाराजगंज में आए हुए हैं और यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे इस मुद्दे को लेकर के, डेवलपमेंट के क्षेत्र को लेकर के, यहाँ पे लोग वोट देंगे या फिर जातिवाद को लेकर के। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। हाँ बताएं सर, यहाँ पे बताएं कि किस चीज़ को रुझान को लेकर के यहाँ पे आप लोग वोट देंगे, जैसे कि विकास को लेकर के या फिर किसी व्यक्तिगत पार्टी को लेकर के, या क्या क्या आपकी तरफ रुझान है और यहाँ पे पब्लिसिटी को कैसे बढ़ावा देना है, यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। देखिए, यहाँ कोई जातवाद नहीं है, यहाँ हम लोग विकास को लेकर के वोट करेंगे। वोट हम लोग उसको करेंगे कि जो हमारे क्षेत्र का सड़क का विकास, सड़क का काम करे, बेरोजगारी दूर करे, जनता की बात सुने, यहाँ उसको देख करके हम वोट करेंगे। हम लोग किसी पार्टी से मतलब नहीं रखते, हमको विकास देख करके काम करना है। जो कौन विधायक हमारा काम करता है, कौन हम लोग के सुख दुख में आता, भागीदार होता है, बस सीधी ऐसे जान लीजिए, हम लोग विकास को देख करके काम करेंगे। हम लोग दिखावा काम नहीं करेंगे, किसी जात पात से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, हम लोगों को विकास देखना है। जो विकास करें वो हम लोग का नेता बने, सीधी सीधी बात। सर, तो एक बात बता दें कि यहाँ पे जो पिछले पाँच सालों में ये जो चुनाव में हमारे बीजेपी की सरकार थी यहाँ पे, तो बीजेपी की सरकार में यहाँ पे कैसा क्या डेवलपमेंट को क्षेत्र के लेकर के रहा लोगों का रुझान, क्या लोग या आप ही सर ये एक बारे बताइए, क्या आप ही खुश है इस चीज़ को लेकर के कि आपके यहाँ डेवलपमेंट हुआ या फिर क्या क्या माजरा, इसके बारे में थोड़ा विवेचन करें। कुछ तो हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन मेरा मतलब है कि कुछ हुआ है तो उसके आगे और हो, कहने का मतलब और विकास हो, तब तो हम उससे संतुष्ट होंगे। जैसे आपने एक कदम चल लिया, एक कदम चलने के बाद आप कोई ब्रेक लगा दिए और कहें कि नहीं हम विकास में जा रहे हैं, अरे भाई अगले वाले और हालांकि कभी हिजाब को लेकर के, कभी RRB NTPC जो बच्चों के हित को लेकर के, इतनी सारी समस्याएं एक आने वाले देश के फ्यूचर के साथ हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग को विकास से मतलब है, मेरे क्षेत्र का विकास हो, हमें विधायक वही चाहिए बस। सर, सबसे पहले नमस्कार आपको चैनल पे आने के लिए। धन्यवाद आपको। सर, इसके बारे में बताइए कि आपको क्या क्या दिल में क्या ख्याल रहता है कि हमको कैसा नेता चाहिए? हमको नेता बढ़िया चाहिए जो काम करे उनको देखेंगे हम लोग और भ्रष्टाचार रहित हो, विकास करे, बस यही चाहिए। जातिवाद से हम लोग को मतलब नहीं है, बस समाज में मिले जुले, बस यही चाहिए। चाहिए मतलब लोगों के सुख दुख को साथ देना, लोगों के सुख दुख में भागीदारी लेना, कोई ऐसा हिस्सा आ जाए जिसमें अगर किसी भी कोई भी धर्म हो अगर वो संकट में है तो उसका बढ़ चढ़ के साथ दें, या हो ना हो कि उसके जातिवाद को लेकर के हम लोग बैक हो जाएं या फिर उस जातिवाद को लेकर कोई एजेंडा खड़ा कर दें या जातिवाद पर हम लोग वोट लें, क्या ऐसे किसी क्षेत्र को लेकर के आप सोचते हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, अभी तक कोई ऐसा मामला आया नहीं है हमारे क्षेत्र में, तो बढ़िया ही है। और ये RRB NTPC जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था और मुद्दा बना हुआ भी है, RRB NTPC जैसे छात्रों के हित को लेकर के। पहले तो स्टार्ट हुआ आपके पटना में, आरा में, ऐसे ही चलते हुए अब मतलब UP में भी पहुंच चुका है और इस चीज़ को लेकर के छात्रों को बहुत बड़ी संख्या में मांग की जा रही है कि RRB NTPC का इतने फेजेस में एग्जाम लिया जाए, और इसी को देख करके RRB जो है ना ग्रुप डी भी का भी एग्जाम पेज वन के अलावा फेज टू भी कंडक्ट करा रही थी, इसके बारे में सर क्या? इसके विषय में अभी हमको जानकारी नहीं है, इसलिए हम नहीं बता पाएंगे। एक बार बताइए सर, यहाँ पे बेरोजगार और रोजगार के मुद्दे के बाद में अगर हम आपसे पूछें कि रोजगार क्या बीजेपी की जो शासन रही यहाँ पे इन 5 सालों में, क्या बेरोजगारी खत्म हुई?
बेरोजगारी तो पहले भी थी, आज भी है। ये तो नहीं है कि पहले बेरोजगारी नहीं थी, ये नहीं है कि हमारे पिताजी पहले नौकरी करते थे आज नौकरी नहीं कर रहे हैं, ये भी नहीं है कि हम पहले नौकरी करते थे आज नौकरी नहीं कर रहे हैं। नौकरी तभी मिलती थी, नौकरी आज भी मिलती थी, नमस्ते, नौकरी तभी मिलती थी, नौकरी आज भी मिल रही है, बेरोजगारी तब भी थी, बेरोजगारी आज भी है। इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है। ये जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो लोग कहते हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, ये सब गलत बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सब आपका शुभ नाम? मेरा नाम होशिला प्रसाद है। जी सर, बधाई हो आपको कि आप चैनल पे आए और टाइम दे रहे हैं आप। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ और आप ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ये मुद्दा जो बना रहता है ये बेरोजगारी को लेकर के, क्या ये वाकई सच है क्या कि इन 5 सालों में, पिछले 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ? जो प्रतिपक्ष पार्टी इस मुद्दा को लेकर के कोसते रहते हैं, तो क्या इसके बारे में कुछ बताएं आप, अगर आपके पास में नॉलेज हो इस चीज़ को लेकर के बताएं। देखिए जहाँ तक विकास की बात है, वास्तव में बीजेपी गवर्नमेंट जो है केवल मंदिर और मस्जिद की बात करती है, धरातल की बात नहीं करती। हमारी मंदिर मस्जिद से कुछ होने जाने वाला नहीं है, होने जाने वाला है कि अच्छे अच्छे कॉलेज खुलें, अच्छे हॉस्पिटल बने जिससे गरीबों का दवा उपचार हो सके। अच्छे से कॉलेज खुलेंगे तो पढ़ाई की असर बढ़ेगी, मंदिर मस्जिद से हमको कुछ नहीं लेना देना। सर मोदी जी कहते हैं कि सभी कोई पढ़ के जॉब नहीं करेगा, सब कोई पकौड़ा बेचे चाय बेचे, क्या ये सच है क्या? बच्चों के हित को लेकर के, उनके फ्यूचर को लेकर के ऐसे बातें कहना बच्चों के हित में, क्या ये सच है? देखिए प्रधानमंत्री का पद बहुत सम्मानित पद है, एक संवैधानिक पद है, और एक संवैधानिक पद पे रहते हुए व्यक्ति को नौजवानों के लिए ये सब बातें ओछी बातें हैं, नहीं कहनी चाहिए। उनके मनोबल को बढ़ाना चाहिए कि आप पढ़िए और आगे बढ़िए और देश की तरक्की होगी। और जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे, रोजगार पाएंगे, अच्छे अच्छे कंपनियों में जाएंगे, जिस स्तर का आपका, जिस लेवल का आपका पढ़ाई लिखाई होगा उस लेवल पर आप पहुँचेंगे। लेकिन मेरे समझ से वो सम्मानित व्यक्ति हैं, उनको इस ओछी बात को नहीं कहना चाहिए, मैं जहाँ तक मेरी समझ में। सर हाथरस के बारे में आप जानते हैं क्या? हाथरस जो ये कांड चला था इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए हाथरस में जो कांड हुआ था वो बहुत घिनौना कांड था, नहीं होना चाहिए। इस स्तर का कांड होने से हमारे जो पढ़ी लिखी जो बेटियाँ हैं उनका मनोबल गिरेगा, इस तरह का कांड नहीं होना चाहिए। और सर इस पे सरकार को गंभीर होना चाहिए था। और जहाँ तक बीजेपी, ना तो हमको बीजेपी से बहुत ज़्यादा दुराव है ना, लेकिन जो धरातल की बात है उससे हम कहेंगे कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर जो व्यक्ति इस तरह की घटना करता है तो उसके साथ सरकार को खड़ा होकर के विरोध करना चाहिए, लेकिन विरोध भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुल करके नहीं हुआ, यह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी। सर ये अभी फिलहाल को लेकर के बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जैसे कि आपके हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी, उन पर बहुत सारे फायरिंग किए गए और उनको जानलेवा हमला भी किया गया और उनको जान मारने की धमकियाँ भी आई बीजेपी की कुछ पार्टियों की तरफ से, तो क्या ये सच है क्या कि मतलब हमारे देश के ऐसे नेताओं के साथ या किसी कोई ऐसे पार्टी के नेताओं के साथ और मतलब कि ऐसे कांड करना या फिर ऐसे मतलब घिनौने जो कांड है, मतलब हालांकि घिनौना ही कांड है। देखिए जहाँ तक फायरिंग की बात है, चाहे वो किसी भी दल के व्यक्ति हों, राजनीति व्यक्ति हैं, राजनीति हमारे धरती का, हमारे भारत का एक बहुत बड़ा अंग है। अगर हमारे लोकतंत्र नहीं हो रहेगा तो हम किसी लायक नहीं रहेंगे। चाहे वो किसी भी दल के व्यक्ति हों, किसी के ऊपर इस तरह से घिनौना काम नहीं करना चाहिए, यदि हुआ है तो गलत हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हालांकि मैं बता दूं कि बहुत अच्छा राय दिए और इस मुद्दा को लेकर के हमारे जनहित जारी रहेगा पूरे उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे हर पल हर घर घर से और हर गली गली से न्यूज़ देते रहेंगे। मिलते रहिए आप लोग अगले वीडियो में, तो चलिए धन्यवाद।